We saw this amazing one. It's actually pretty windy, actually. After looking at these lights, it feels a lot like Christmas, so yeah, please look at it right now. Before I post, I check it twice. Took 20 before, I can't lie. Hope that I'm someone that they could like. Good morning, guys. Today, I'm gonna take my haircut. You excited? Uh-huh, and it's snowing outside. And I'm gonna play at the snow at 3 o'clock. And Mama's gonna make a video, okay? Okay. तो हिम्मत खा रहा है कपकेक दुकान के बाहर बैठ के, क्योंकि दुकान में हेयर कट वाली शॉप पे हिम्मत के लिए समय लगेगा 30 मिनट्स, और उसे बहुत भूख लगी है, तो उसने सोचा कि मैं कपकेक्स खा लेता हूँ क्विकली. Yes. Which gift? You. Oh my God, you're like my son. My son is also going to beard too. मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं हैं तो अब ये वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे. अभी अभी मुझे पता चला है कि एक्चुअली मैं दिस भूल गई कि व्लॉग मिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और मेरा बहुत मन था कि मैं व्लॉग मिस करूँ, पर चूँकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ तो मैं व्लॉग मिस नहीं कर पा रही हूँ. पर मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ, क्योंकि मज़ा आता है मुझे. सो दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है. हम दोनों जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. आज हम खाएंगे देसी फूड, एंड उसके बाद पति की मीटिंग्स हैं, एंड मुझे मेरी एक वीडियो शूट करनी है. सो काफ़ी अच्छा एंड बिजी दिन चलने वाला है. समय अराउंड 11:30 है और टेम्परेचर है 1°C. सो ज़्यादा ठंड नहीं है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे. डैडी, यू आर एक्साइटेड? हम एक्साइटेड हैं. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ. पति खाने वाले हैं कुछ उनका फेवरेट. सो यार, मैं भी खा ही लूँगी. वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं कुछ भी खा लेती हूँ यार. मुझे कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, आई ईट एवरीथिंग. मैं खाने के लिए नहीं, कुछ कर दीजिए. खाना है तो आई ईट इट, तो आई ईट इट. आई डोंट केयर, आई ओनली केयर फॉर माई सेल्फ. बॉडी ने मारा नहीं कड्डी थोड़ी चाहिए. सो सर आए हैं कुछ खाने के लिए, और अपनी यहाँ टिकटॉक का देखते रहते हैं ये, और हम लोग आए हैं एक रैंडम शॉप पे, आई थिंक अमृतसरी कुलचा खाने के लिए, क्योंकि पति अमृतसरी कुलचे के बहुत बड़े फैन है. माला ऐसे भाई, एक माला चिल्ला मत चुड़ैल. माला तुम ना है, मैं बोल रहा माला. आज कितने पहुँचे हो सर? सो यस, हम खाने के लिए आए हैं कुलचा, एंड देखते हैं कैसा है. अगर आप लोकल हैं तो शायद आपने ये प्लेस देखा ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मेरे मुंह से सच फिसल के निकलेगा और पति कहेगा. सो यार, खा के बता दें. तू ही तो दिल्ली का, कुछ बुरा होता है आपके लिए सभी अच्छा है. अच्छा है, हम वही पेश करते हैं जो अच्छा है. जो बुरा है उसे दफना दिया जाता है. सर होना वीडियो के चक्कर में झूठा हूँ, करेंगे पक्का. ओके, सो मैं खाने वाली हूँ भटूरे, एंड चने का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगा. डिफरेंट है, यूनिक है, आपको इंडिया की याद आ जाएगी. अच्छा है, एंड कंफर्ट. सो खाने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद, हम लोग चले गए लाइब्रेरी. आजकल मेरा इंटरेस्टिंग मुद्दा है किताबों का, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंड आल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वैसे हमेशा से ही है, पर आजकल मैं इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ रही हूँ. मुझे लगता है कि मैंने 6-7 किताबें ऑलरेडी पढ़ ली होंगी. अदर चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ ड्रीम्स के बारे में,
या फिर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद हायर डिमेंशन, या फिर मरने के बाद क्या होने वाला है, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसी ऐसी ऐसी, ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। तो खूब सारा समय मैंने लगभग 4-5 घंटे मैंने उस दिन लाइब्रेरी में बिताए किताबें पढ़ने में। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। मुझे लगता है कि ये साल के ख़त्म होने तक मैं एक साल का जो मेरा कोटा होता है 30 बुक्स का, वो कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि पूरा साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। सो यस, होप फॉर द बेस्ट। मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी मे बी एंड ऑफ द ईयर, और या इस व्लॉग में इसमें कहीं ना कहीं मैं शेयर कर दूँगी। We came here to check out some Christmas lights, but when we came, we saw this amazing one. It's actually pretty windy, actually. After looking at these lights, it feels a lot like Christmas, so yeah, please look at it right now. Show you what it does, okay, guys? The QA code, right here. Okay. And we need to listen to song, but we can't. दोस्तों, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं वापस वो क्रिसमस वाला हाउस देखे। वो क्रिसमस वाला हाउस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, और उनका वो आई थिंक 2015 से ये कर रहे हैं। और स्पेशल बात ये है कि अगर वो आप QR कोड को स्कैन कर लें तो आपको म्यूज़िक भी सुनता है, या फिर आप FM के थ्रू म्यूज़िक सुन सकते हैं, एंड म्यूज़िक के हिसाब से वो लाइट्स अप एंड डाउन होती हैं। क्रिसमस कैरल बहुत मज़ेदार था, हमने सुना वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर FM पे, एंड काफ़ी मज़ा आया। तो उसके बाद हम लोग घर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं आज, हमने बहुत सारे काम किए, और मैंने आप लोगों से काफ़ी देर हो गई कि बातचीत नहीं हुई है हमारी। सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, मैं शावर में जाऊँगी, देन मैं नहीं करूँगी। सो ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त चल रही है दोस्तों, और व्लॉग मैस करना चाहती थी मैंने, जैसे मैंने अर्लियर कहा, पर ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं व्लॉग मैस के। पर मैं सोच रही हूँ कि इट्स ओके, नेवर टू लेट, 10वें दिन से शुरू कर लेते हैं हम लोग। क्या विचार है आपके, क्या मुझे व्लॉग मैस करना चाहिए? सो यस, एवं रैंडम व्लॉग मैस कर लेते हैं। पर इस व्लॉग मैस में हमारे घर में क्रिसमस ट्री नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा है कि मैंने क्रिसमस ट्री को नहीं क्रिसमस की डेकोरेशन सारी, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल डोनेट कर दिए हैं। क्रिसमस ट्री भी मैं डोनेट करने वाली थी, फॉर सम रीज़न वो मेरे पास है। अगर मैं उसको बनाना सजाना चाहूँगी तो मुझे सारे ऑर्नामेंट दोबारा खरीदने चाहेंगे, और मूव में फिर वो एक हैसल हो जाएगा। सो इस बार हम क्रिसमस ट्री नहीं बनाने वाले हैं। सो यस, कोशिश करते हैं कि एवरी डे वीडियो अपलोड करें, व्लॉग मिस चल रहा है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोस को मिस कर देंगे, जो मैं बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाती हूँ। मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट, Think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. Bye, love you.